नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। चुनावी बॉन्ड की लिस्ट आ गई है। अडानी, अंबानी और मोदी का इस लिस्ट में क्या कनेक्शन दिख रहा है? क्योंकि आपको याद होगा, बड़े आरोप लगाए गए, कहा गया ये बड़ा घोटाला है। और जैसे ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लिस्ट आएगी कि किस किस ने चुनावी चंदा दिया बॉन्ड के जरिए, नरेंद्र मोदी का सो कॉल्ड घोटाला सामने आएगा। क्या वो सामने आया है? लिस्ट में क्या है, अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। इसके अलावा सीएए पर अमित शाह और खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कैसे केजरीवाल की पोल खोली है, इसका चैप्टर होगा। जब केजरीवाल के शीश महल के बाहर पाकिस्तानी पहुंचे तो क्या हुआ? शरणार्थी हिंदू, सिख और रेपिस्ट हैं, लेकिन और दंगाई है, लेकिन घुसपैठिए रोहिंग्या को नोटों के बंडल किसने बांटे? 2024 के पहले चुने गए दो चुनाव आयुक्त कौन हैं जिन पर हंगामा हो रहा है, इसका चैप्टर भी है। ईवीएम हैकिंग का आरोप सच्चा है तो चुनाव आयुक्त को लेकर रोना क्यों? वन नेशन वन इलेक्शन पर भी रिपोर्ट आई है। मोदी कब से चुनावी सिस्टम बदलने जा रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। 2024 की बंपर जीत के लिए योगी यूपी में गजब का काम कर रहे हैं। गरीब के घर का पैसा और उसमें भी कमीशन, सीएम योगी ने किसका राज खोल दिया आज? और मायावती का वो सरप्राइज जिससे अखिलेश राहुल को झटका लगना तय है, इसका चैप्टर होगा। और आपसे जुड़ी एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर, वो एक ऑर्डर जिसके बाद 23 खूंखार कुत्ते काट नहीं पाएंगे। कुत्तों के काटने से हैं परेशान तो सरकार का नया फैसला आपको कर देगा हैरान, आज उसके बारे में भी बताऊंगा। और आखिर में फैक्ट फैक्टर, वो जगह जहां लोग अपने घर जमीन के नीचे ही बनाते हैं, जगह कौन सी है और क्यों ऐसा लोग करते हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की खबरों का रिवीजन जल्दी से, उसके बाद पहला चैप्टर। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल पर वैट 2% घटा दिया है बीजेपी सरकार। इससे पेट्रोल 5.30 रुपए तक सस्ता हो गया है, जबकि डीजल अब राजस्थान में 4.85 रुपए सस्ता मिलेगा। पेट्रोल और डीजल की ये नई कीमतें सुबह 6 बजे से लागू हो जाएंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत हुई है। महापंचायत में सिर्फ 5,000 किसानों को आने की इजाजत थी। महापंचायत में किसानों ने सरकार से एमएसपी की गारंटी और दूसरी मांगों पर आगे की रणनीति पर चर्चा की। किसान नेताओं ने कहा कि फसलों पर एमएसपी की गारंटी जब तक केंद्र सरकार से नहीं मिलेगी, यह आंदोलन जारी रहेगा। समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के ठिकानों पर ईडी ने रेड की। यह छापेमारी लखनऊ, अमेठी, दिल्ली और मुंबई में 8 से ज्यादा ठिकानों पर की गई, जिसमें गायत्री प्रजापति, उनकी पत्नी और बेटों के घर शामिल है। ईडी ने 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें गायत्री प्रजापति और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ अवैध रेत खनन और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 8 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी ज्यादातर विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा है। इस लिस्ट में पंजाब सरकार के 5 मंत्रियों के नाम भी शामिल। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अजीत पवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पोस्टर में शरद पवार की फोटो इस्तेमाल करने के मामले में एनसीपी के अजीत गुट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा। साथ ही शरद पवार की तस्वीर और उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करने का शपथ पत्र देने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार की एनसीपी को चुनाव चिन्ह घड़ी का इस्तेमाल न करने का भी सुझाव दिया है, ताकि भ्रम की कोई स्थिति न बने। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, चुनावी बॉन्ड की लिस्ट आ गई है। अडानी, अंबानी और मोदी का क्या कनेक्शन दिखा, सबसे पहले इसका चैप्टर। और आज पाठशाला में शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया है, जिसको लेकर बहुत हंगामा मचा हुआ था। चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर यह डेटा अपलोड कर दिया। हालांकि उसके पास 15 तारीख का वक्त था, लेकिन उसने एक दिन पहले ही यह डेटा अपलोड कर दिया। एसबीआई से डेटा मिलने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिले बॉन्ड के डेटा को इलेक्शन कमीशन ने अब सार्वजनिक कर दिया है। और सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं, चुनावी बॉन्ड के शुरुआती जो हमने आकलन किया है, उस डेटा में अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है। यानी अडानी इंटरप्राइजेस जो कंपनी है, उसने कोई चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा। चुनावी बॉन्ड के डेटा में
अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में, तो ये बड़ी खबर। हालांकि अभी हम उस पूरे डेटा को, क्योंकि बड़ा डेटा उसको खंगाल रहे हैं, लेकिन उसमें कई बड़ी कंपनियों के नाम होने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है। अडानी की किसी और दूसरी, अभी शुरुआती तौर पर हमको किसी और दूसरी कंपनी का नाम भी नहीं दिखा जिसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा हो। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूरा माहौल ही ये बनाया गया कि जैसे इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नरेंद्र मोदी ने कोई घोटाला किया हो और उस घोटाले का पर्दाफाश होने वाला है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। लेकिन जितना अडानी अंबानी की सरकार बताया गया, डेटा में शुरुआती तौर पर अडानी इंटरप्राइजेज और रिलायंस इंडस्ट्री का नाम तक नहीं है उन कंपनियों में जिन्होंने चुनावी बॉन्ड खरीदा। लेकिन किन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा उसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सार्वजनिक करना था। चुनाव आयोग ने एक दिन पहले ही सारा ब्यौरा अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। यह डेटा चुनाव आयोग को दो दिन पहले ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाले के नाम है और उन पार्टियों के नाम है जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को भुनाया। यह जानकारी दो अलग अलग डेटा सेट में है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों में कहीं भी अडानी की कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं दिख रहा और इस लिस्ट में कहीं भी अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं दिख रहा। इसका मतलब शुरुआती तौर पर यही लग रहा है कि विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेल होता दिख रहा है। विपक्ष जो सोच रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आ जाएगी तो वो इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा चुनावी मुद्दा बना लेगा, लेकिन शुरुआती तौर पर डेटा को देखने से लग रहा है कि विपक्ष का ये मुद्दा भी फ्लॉप होता नजर आ रहा है। और इस इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा में क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा ये दिखाइए यहां पर दर्शकों को किस तरह से डेटा है। जरा अभी ये स्क्रीन पर रोकिएगा, जरा यहां क्लोज करके दिखाइए, इसके पहले वाला हिस्सा दिखाइए जो मैं आपको डेटा दिखा रहा था, जरा उसको पॉज करके दिखाइए। जैसे अगर आप देखेंगे जो शुरुआती डेटा, शुरुआती तस्वीर में आपको दिखा रहा था, इसको जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा। पहली वाली स्क्रीन पर जाइए, जरा पहली वाली स्क्रीन पर जब आप जाएंगे और आप इसको देखेंगे, ये इतना ज्यादा ब्राइट दिख रहा है कि दर्शकों को दिखेगा ही नहीं, थोड़ा क्लोज दिखा। ये देखिए, इसको पॉज कीजिए जरा, मैं आपको पॉज करके दिखाता हूं। ये जो डेटा है इसमें इलेक्शन कमीशन ने यहां पर इस वेबसाइट का नाम दिया हुआ, ये आप देख रहे हैं। इस वेबसाइट पर जाकर कोई भी डेटा को देख सकता है। इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन द सेड मैटर ईसीआई हैज कंसिस्टेंटली एंड कैटेगोरिकली वेट द इन फेवर ऑफ डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी अ पोजिशन रिफ्लेक्टेड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड नोटेड इन द ऑर्डर ऑल्सो। अनु चंडक ज्वाइंट डायरेक्टर मीडिया, इन्होंने ये लिस्ट जारी की है और इसमें बकायदा वेबसाइट दी हुई है। अब जरा इससे पहले वाली जो, हाँ ये पेज पर रोकिए जरा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इस पेज पर जैसे ही आप जाते हैं यहां पर आप देखिए, यहां पर दो पार्ट हैं। पार्ट वन लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिटेड बाय एसबीआई पार्ट वन, और ये है पार्ट टू डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिटेड बाय एसबीआई पार्ट टू। ये दो पार्ट यहां पर दिए गए हैं, यानी किसने बॉन्ड खरीदा इसका डेटा यहां पर दे दिया गया है, ये है पार्ट वन में, और किसने भुनाया बॉन्ड को इसका पार्ट दे दिया गया है पार्ट टू में। अब मैं आपको डे वन से यही बात समझा रहा था कि ये तो इन लोगों ने डेटा दे दिया, लेकिन दिक्कत ये है कि ये दोनों मैच नहीं हो सकते। और एसबीआई यही बात कह रहा था कि आप हमको समय दीजिए, हम डेटा मैच करके बता देते हैं कि किसने बॉन्ड खरीदा और किसको डोनेशन दी, किसको चंदा दिया। अब लिस्ट आ गई कंपनियों की, लिस्ट आ गई पॉलिटिकल पार्टीज की, जिनकी लिस्ट ऑलरेडी थी कि भाई उनको इतना चंदा मिला है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि किसने किसको चंदा दिया। अब मैं जरा आपको दिखाता हूं किस तरह से चंदा दिया गया है, जरा उसका एक उदाहरण आपको देता हूं। जरा यहां पर डालिए वो चंदे वाली पेज को डालिए जिसमें हमने कंपनी के बारे में आपको दिखाया। ये जरा तस्वीर देखिए, जैसे अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, इसको जरा जूम करके दिखाइए। अब इसमें, अब हमने उदाहरण के लिए भारतीय एयरटेल लिया है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे 18 अप्रैल 2019 भारतीय एयरटेल लिमिटेड, इसने इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया, चंदा मतलब पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा। इसी तरह से फिर 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय एयरटेल ने खरीदा, कहीं 1 करोड़ है, कहीं 10 लाख है, कहीं फिर 1 करोड़ नजर आता है,
तो एक एक करोड़ के भी बॉन्ड हैं, दस दस लाख के भी बॉन्ड हैं, कई सारे ऐसे बॉन्ड हैं। अब इसमें यही नहीं पता चलेगा कि ये बॉन्ड जो इन लोगों ने खरीदा, ये पैसा गया किस पार्टी को, क्योंकि इसमें सिर्फ लिस्ट ये है कि भाई इस कंपनी, ये देखिए आपको लिस्ट दिख रही, किस किस ने खरीदा उसके बारे में आपको दिख रहा है। इसमें कौन कौन है, जैसे भारतीय एयरटेल का हमने आपको दिखाया, इसी तरह से एक कंपनी है एल माइनिंग, जरा उसका डेटा डालिए। अब इसमें आप देखिए एसएल माइनिंग ने आपको दिख रहा है कई जगह पर एक एक करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं 2019 में, ये नजर आता है। इसी तरह से एक और कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। अब ये कंपनी, इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं सुना, लेकिन इसको आप देखिए इसने एक एक करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और साल 2024 में ज्यादा बॉन्ड खरीदता हुआ यह नजर आया है जनवरी के महीने में। अब इस कंपनी ने भी बॉन्ड खरीद लिया, लेकिन इसने किसको यह पैसा दिया यह पता ही नहीं है। चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वाली कंपनियों में डीएलएफ भी शामिल है, तो वहां उसका भी नाम दिखता है। वेदांता कंपनी ने भी चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है, उसके भी हमको डेटा नजर आया। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर। गौरव, शुरुआती तौर पर चूंकि डेटा सेट बहुत बड़ा है, शुरुआती तौर पर जिस बात में लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था, विपक्ष का बड़ा इंटरेस्ट था, कि अडानी इंटरप्राइजेस का नाम है या नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम है या नहीं, वो दोनों नाम तो इस लिस्ट में नहीं दिख रहे। कोई ऐसा नाम आपको दिख रहा है जिससे देश में हंगामा, तूफान, बवाल हो? देखिए, फौरी तौर पर अगर आप इस लिस्ट में कोई भी पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करेगा, सिर्फ पत्रकार ही नहीं, कोई राजनीतिक दल ही नहीं, कोई आम आदमी भी, तो उस पीडीएफ फाइल में जाकर अपने मोबाइल में सर्च करके वो अडानी, रिलायंस या इन तरह के नाम डालकर कोशिश करेगा सर्च करने की कि क्या अंबानी, अडानी ही वो दो सबसे बड़े कॉरपोरेट हैं जिनके नाम पर देश में लूट मचने का आरोप लगाया जाता है। फिलहाल वो नाम नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों को इस बात का भी शक था, विपक्षी दलों को खास करके, कि क्या जो नाम है वो इस तरह के कंपनियों द्वारा दिए गए हैं जो बोगस कंपनियां हैं। ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन मैं बड़ी खबर दर्शकों के लिए अभी के लिए अपडेट कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक नई पिटीशन अभी डाली है, और ये पिटीशन उस वक्त डाली है जब एक तरफ चुनाव आयोग ने एसबीआई का डेटा अपलोड कर दिया है, और उस पिटीशन में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टीकरण की मांग की है, क्योंकि जो डेटा अपलोड कराया गया है वो टू सेट्स ऑफ डेटा है। और जब सुनवाई हो रही थी उस वक्त भी हरीश साल्वे जो एसबीआई की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि दो साइलोज में जो है ये पूरा डेटा रखा जाता है, एक तरफ जो है बॉन्ड खरीदने वाले का और दूसरे साइलो में जो है वो उसको इनकैश कराने वालों का होता है, और ऐसे में जो यूनिक आईडी नंबर है जिससे पता लगाया जा सकता था वो उसमें उपलब्ध नहीं है। लेकिन जिस तरह की संभवतः जल्दीबाजी मची, अगर उस वक्त सुनवाई के दौरान प्रेस करके दबाव बनाकर ये कहा जाता कि एसबीआई जो है वो मिलान करके डेटा देता, तो शायद इस प्रैक्टिस का ज्यादा महत्व होता बिना किसी तरह के जिसको बोला जाए। गौरव, आज की डेट में बहुत सारे लोग जो हैं वो यही कह रहे थे, बहुत सारे लोग यही कह रहे थे कि आज की डेट में दो सेट ऑफ डेटा है हमारे पास जो इलेक्शन कमीशन ने डाल दिया। एक सेट ऑफ डेटा है कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड भंजाया, बुनाया। भाई वो डेटा तो ऑलरेडी सबके पास था कि भाई बीजेपी को इतना चंदा मिला, कांग्रेस को इतना मिला, टीएमसी को इतना मिला। लोगों का इंटरेस्ट इस बात में था, और जो विपक्ष आरोप लगा रहा था कि भाई किस बिजनेसमैन से पैसा लिया गया, बीजेपी ने किससे पैसा लिया, ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा घोटाला है। अब दूसरा सेट जो आया उसमें अडानी इंटरप्राइजेस का नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम नहीं है बॉन्ड खरीदने वालों में, और जिनके नाम भी हैं बड़ी कंपनियों के, उन्होंने किसको चंदा दिया ये पता ही नहीं चल रहा। तो अब ये पूरी लड़ाई कहां जाएगी, और विपक्ष का कोई रिएक्शन आया है क्या इस पर? देखिए, विपक्ष का रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन अभी जो कि एडीआर के तरफ से वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे प्रशांत भूषण, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, और जिस तरह से एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसमें प्रशांत भूषण ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा चुनाव आयोग द्वारा अपलोड किया गया, जो कि एसबीआई द्वारा दिया गया, उसमें सीरियल नंबर नहीं है, जो कि आवश्यक था कि इससे पता लगे कि बॉन्ड किसने किसको दिया। ये एक तरीके से जो है वो जो पूरी जानकारी दी गई है उसका कोई मर्थ नहीं है, और ये छुपाने की कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और चुनाव आयोग द्वारा नहीं। लेकिन एक मिनट गौरव, प्रशांत भूषण तो उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे। गौरव, प्रशांत भूषण तो उस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद थे जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली कहा
कि हमने आपसे मिलाने के लिए कहा ही नहीं है डेटा सेट को, हमने आपसे कहा है दोनों डेटा सेट रख दीजिए, तो अब इस ट्वीट का क्या मतलब कि भाई इससे स्थापित नहीं हो रहा कि किसने किसको पैसा दिया? ये तो भ्रम फैलाने वाली बात हो गई। फिर ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के चीजें छुपाई जा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि आप दो डेटा सेट रख दीजिए सामने। बिल्कुल, उस लिहाज से देखा जाए तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज और है। अगर आप अमूमन किसी तरह से समझें कि मान लीजिए आपका बैंक स्टेटमेंट होता है और आप किसी पांच चेक को लेकर अपने खाते में बुनाते हैं तो चेक का एक नंबर होता है। दरअसल बॉन्ड का भी कोई सीरियल नंबर इसमें नहीं प्रोवाइड किया गया है, इसमें सिर्फ यह आंकड़ा दे दिया गया कि कंपनी और इसने कंपनी ने इतने का चंदा लिया, लेकिन उस बॉन्ड का नंबर क्या था ये सीरियल नंबर जो है नहीं है, क्योंकि एक यूनिक आईडी नंबर जो है जो कि देखा जा सकता था इलेक्ट्रल बॉन्ड में एक रिकॉर्ड के लिए रखा गया था, वो आंकड़ा नहीं है। तो हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई की बात। लेकिन गौरव, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कीजिए, जितना मुझे समझ में आया SBI यही बात तो कह रहा था कि हमको वो जो यूनिक आईडी है जो हर इलेक्टोरल बॉन्ड पर है उसको मैच कराने में समय लगेगा और हम आपको मैच करा के डेटा जो है वो अगले कुछ हफ्तों में दे पाएंगे। तो अगर उसको उसके लिए इतना ही आसान होता कि उठा के दे देता तो वो इसमें डाल देता। वो तो SBI यही कह रहा है कि वो यूनिक आईडी हम नहीं दे सकते, उसको मैच कराना पड़ेगा। बिल्कुल, SBI ने यही कहा था और 30 जून के लिए इसी वजह के समय मांगा था, और हो सकता है कि इस डेटा के आने के बाद ADR या अन्य जो याचिकाकर्ता ये सवाल खड़ा करें, इसी वजह से चुनाव आयोग ने पहले ही पिटीशन डालकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्टीकरण मांगा है, जिस पर कल सुनवाई है। दर्शकों के लिए साफ कर दें, साइलोज शब्द का इस्तेमाल किया था, यानी कि दो अलग अलग आइसोलेटेड प्लेस बनाए गए थे जिसमें बॉन्ड खरीदने वालों का डेटा अलग था, बॉन्ड को भुनाने वाले राजनीतिक दलों का डेटा अलग था, आपस में उनका कोई कोरिलेशन नहीं था, कहीं से भी वो कोरिलेट नहीं होते थे, और इसी आधार पर जो है वो बॉन्ड की गोपनीयता की बात जो है बार बार कही। ठीक है गौरव, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस बड़ी जानकारी के लिए। बड़ी खबर जिस पर आज हमने पाठशाला में शुरुआत की, इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आ चुका है और ऐसा लगता है कि विपक्ष को ही झटका लग गया है। जो विपक्ष ये सोच रहा था कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो ये कहीं से साबित कर पाएगा कि ये अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, उसे ऐसा लगता है शुरुआती तौर पर, अभी हमने जितना डेटा, क्योंकि अभी बस कुछ देर पहले ये डेटा आया है, शुरुआती तौर पर हमको ना अडानी इंटरप्राइजेस का नाम दिख रहा है बॉन्ड खरीदने वालों में, ना रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम दिख रहा है खरीदने वालों में। कई बिजनेस हाउसेस हैं जिनके नाम दिख रहे हैं उसमें। मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये चुनावी चंदा पहले भी बड़ी बड़ी कंपनियां देती आई हैं, अडानी अंबानी ने कांग्रेस को भी चंदा दिया, हमने आपको पाठशाला में भी बताया था, और आज की डेट में जो हमने आपसे कहा था वही हो रहा है। दो सेट ऑफ डेटा है, किसने किसको पैसा दिया कुछ पता नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी का नाम सीधे तौर पर न होने से विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर पर आपको एनालिसिस करके और अपडेट दूंगा, कुछ नई जानकारी आएगी तो वो भी बताऊंगा। फिलहाल आज की एक और बड़ी खबर, पाठशाला में अब अगली क्लास, CAA पर अमित शाह और खुद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कैसे केजरीवाल की पोल खोल दी, जब केजरीवाल के शीश महल के बाहर पहुंचे पाकिस्तानी तो क्या हुआ, शरणार्थी हिंदू सिख रेपिस्ट और दंगाई, लेकिन घुसपैठिए रोहिंग्या को नोटों के बंडल, सबसे पहले इसका चर्चा। CAA लागू होने के बाद से लगातार बवाल हो रहा है, एक तरफ पॉलिटिकल वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ सड़क पर CAA के समर्थन और विरोधी भिड़ रहे हैं। पॉलिटिकल वॉर में आज अमित शाह कूद गए, CAA पर उन्होंने विपक्ष के एक एक आरोप का पॉइंट वाइज जवाब दिया। अमित शाह ने एक साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी सबको जवाब दे दिया। अमित शाह ने क्या कहा वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए कि CAA पर अरविंद केजरीवाल ने कल जो माहौल बनाया था उसका असर आज कैसे सड़क पर दिखा। अरविंद केजरीवाल जिन लोगों को कल पाकिस्तानी बताकर उनका अपमान कर रहे थे, जिन हिंदुओं को, सिखों को, जैनियों को पाकिस्तानी बता रहे थे, वो प्रताड़ित शरणार्थी आज सड़क पर उतरा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये लोग दो दिन पहले तक CAA लागू होने का जश्न मना रहे थे, लेकिन आज ये लोग गुस्से में दिखे। इन शरणार्थियों ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, केजरीवाल से माफी मांगने के लिए कहा। केजरीवाल की भाषा में कहूं तो ये लोग पाकिस्तानी हैं, तो ये पाकिस्तानी शीश महल तक जाना चाह रहे थे केजरीवाल जी से कहने की माफी मांगो, लेकिन ये हिंदू, प्रताड़ित सिख, प्रताड़ित जैन, प्रताड़ित अल्पसंख्यक
इन्होंने आज कैसे अरविंद केजरीवाल पर गुस्सा उतारा, ये सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे अमित शाह ने बयान से विपक्ष का जो कहा उससे विपक्ष का चेहरा उतरा, और कैसे अरविंद केजरीवाल के लोगों की वजह से अरविंद केजरीवाल की ही पोल खुली। मोदी जी ने हमारे लिए सोचा है, केजरीवाल कभी हमारे पास नहीं आए, उनको आना चाहिए था, देखना चाहिए था। और केजरीवाल ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया, केजरीवाल से हम ये पूछना चाहते हैं कि आप किसी भी पुलिस स्टेशन में हमारे खिलाफ कोई भी FIR, कोई भी मुकदमा बताएं, हम पाकिस्तान वापस चले जाएंगे, लेकिन हमारे ऊपर झूठा इल्जाम मत दें। आज जब ये भारत में आ गए हैं तो उनको भारत में आने से क्यों विरोध हो रहा है? क्या उनके परिवार वाले, वो तो छाती ठोक के शीला दीक्षित जी पहले कहती थी कि वो भी रिफ्यूजी थी, उनका भी पाकिस्तान से, तो जब ये भारत में रह रहे, ना चोरी कर रहे ना डकैती कर रहे, 11 साल हो गए, केजरीवाल जी एक बात देखने नहीं आए, जी रहे हैं मर रहे हैं, क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं? क्या रोनिया को ये बसा रहे हैं? क्या रोनिया यहाँ पे झुग्गियां डलवा दिए हैं? रोनिया के पहचान पत्र बना दिए हैं? रोनिया के वोटर कार्ड बना दिए हैं? हम लोग उन्हें कुछ नहीं बनाया, हम सिर्फ भारत सरकार की तरफ देखते रहे और भारत सरकार के कानून में रह रहे हैं। यहाँ पे सड़क पर शरणार्थियों ने केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा निकाला तो पॉलिटिकल मोर्चे पर अमित शाह ने केजरीवाल को लपेट लिया। कल केजरीवाल ने CAA को लेकर जो नया सियासी तूफान खड़ा किया, आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उसका जवाब दिया। कल केजरीवाल ने यह कहकर खूब माहौल बनाया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गरीब लोग उठकर भारत चले आएंगे, वो आपकी नौकरी घर सब हड़प लेंगे, हम इनके लिए दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? इस पर अमित शाह ने जवाब दिया कि कोई आने वाला नहीं है, सारे शरणार्थी पहले से ही भारत में आ चुके हैं, 2014 तक जो आए हैं उन्हें ही नागरिकता देने का कानून CAA है। एक बार अमित शाह को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि आज दूसरे दिन भी अरविंद केजरीवाल CAA पर कौन सा नया लॉजिक लेकर आ गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं, उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं, सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्यास नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल कल से बार बार ये बात कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों के गरीब लोग उठकर आ जाएं। अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि CAA उन लोगों को नागरिकता देगा जो इन इस्लामिक देशों में धार्मिक रूप से प्रताड़ित है। दूसरी बात, इसमें 2014 की डेडलाइन है, यानी 2014 तक जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, नागरिकता देने के आधार को का आधार गरीबी नहीं है बल्कि धार्मिक प्रताड़ना है। अमित शाह ने तो अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया और फिर से यह क्लियर कर दिया कि 2014 तक आने वालों को ही नागरिकता मिलेगी। अब अमित शाह के इस जवाब से तो अरविंद केजरीवाल के पूरे एजेंडे की हवा निकल गई, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कल ये माहौल बना रहे थे कि शरणार्थी आ जाएंगे, लोगों की नौकरी खा जाएंगे, उन्हें कहां बसाएंगे, लेकिन अमित शाह ने कह दिया कि भाई कोई आने वाला नहीं, जो अभी आ चुके हैं, और कितने आए हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे ना कि 2-2.5 करोड़, मैं आपको बताऊंगा कि कितने लोग आए हैं जिनको नागरिकता मिलने की बात है, आप माथा पीट लीजिएगा सुनकर अगर वो डेटा अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल को अपना पॉइंट उल्टा पड़ता दिखा तो वो फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उन्होंने नए सवाल खड़े कर दिए। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से सवाल किया कि आप 2014 तक वालों की बात कर रहे हो, उसके बाद 2019 तक वालों की बात करोगे, उसके बाद इस डेट को बढ़ाकर 2024 कर दोगे। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि रोहिंग्या को लेकर इनकी पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और कितने लोगों को वाकई में CAA के तहत नागरिकता मिलने की स्थिति है आज के डेट। तीनों देशों के अंदर मैसेज यह है कि भारत सरकार अब जो है इन तीनों देशों के घुसपैठियों को लीगल करने जा रही है। तो ये 2014, आज आप 2014 वालों की बात कर रहे हो, कल आप 2019 के पहले वालों की बात करोगे, फिर ये डेट एक्सटेंड करके 2024 कर दोगे, क्योंकि घुसपैठिए तो आ ही रहे हैं।
आपने रोहिंग्यो की बात की, ये तो आप ही के टाइम में आए थे, ये तो 2014 के बाद आए हैं सारे रोहिंग्य, कैसे आइए? अरविंद केजरीवाल डेट को वैसे ही बढ़ा रहे हैं जैसे ये हर बार, ये और इनकी पार्टी के नेता हर बार इनकी गिरफ्तारी का डेट लेकर आते हैं कि बस अभी कल मुझे गिरफ्तार करने वाले हैं, अभी कल अरविंद जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, पर उनमें से एक भी डेट पे गिरफ्तारी हुई नहीं। वैसे ही अब ये नया मामला लेके आया कि 14 वाले हैं अभी तक, फिर 19 कर देंगे, फिर 24 कर देंगे, फिर 34 कर देंगे, फिर 47 कर देंगे। तो जब करेंगे तब विरोध कीजिएगा, अभी काहे विरोध कर रहे हैं। सीए को लेकर अरविंद केजरीवाल कल से ये कह रहे हैं कि तीन देशों में कुल मिलाकर 2.5 से 3 करोड़ अल्पसंख्यक है, अगर ये लोग भारत आ जाएंगे तो बवाल हो जाएगा, भारत के लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। बार बार वो 2.5 से 3 करोड़ वाला डेटा देकर लोगों के बीच एक तरह से डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी सुनेगा कि भाई 2.5-3 करोड़ लोग आएंगे तो हड़बड़ा जाएगा और आम लोग सीए के विरोध में आ जाएं, यही उनका प्रयास दिखता है एक तरीके से। लेकिन हम आपको मोटे तौर पर यह बताते हैं कि अभी सीए के लागू होने से तुरंत कितने लोगों को नागरिकता मिल सकती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार अब तक, और इंटेलिजेंस ब्यूरो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भाई अभी जितने लोग अप्लाई करेंगे यहां आए हुए हैं उसके हिसाब से ही ना पता चलेगा कि कितने लोग मांग रहे हैं, लेकिन आईबी रिपोर्ट जुटा रही कि कितने लोगों ने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए अप्लाई किया था और यहां पर रह रहे हैं, तो आईबी के मुताबिक जो लॉन्ग टर्म वीजा है, लॉन्ग टर्म वीजा लेकर जो लोग भारत में हैं, और ऐसे कुल अल्पसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक जो यहां पर लॉन्ग टर्म वीजा लेकर रह रहे हैं, इनकी संख्या सुनिए, अभी माथा आपका घनघना जाएगा कि कहां केजरीवाल 2.5 करोड़ कह रहे थे और संख्या कितनी है, 31,313 लोग हैं बॉस, 31,313, इतने ही लोग लॉन्ग टर्म वीजा लेकर कुल अल्पसंख्यक रह रहे हैं। और इसमें हिंदू कितने हैं भाई, इसमें हिंदुओं की संख्या है 25,447, इसमें सिख हैं 5,807 लोग, इसमें ईसाई कितने हैं, इसमें ईसाई हैं मात्र 55 लोग, इसमें बौद्ध कितने हैं, इसमें बौद्धों की संख्या है 2 और पारसी हैं 2। तो आज की डेट में इतने लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा सरकार की तरफ से ऑलरेडी दिया हुआ है और वीजा देने का आधार धार्मिक प्रताड़ना रहा है और इन्हीं को सबसे पहले सीए का फायदा होगा। तो कितने लोगों को भारत की नागरिकता मिलेगी अगर ये सारे लोग अप्लाई कर दें, 31,313। अब कोई अरविंद केजरीवाल से पूछे कि सर ये 2.5-3 करोड़ का डेटा कहां से लाए हैं जब कट ऑफ 2014 है, तो यानी जिन्हें नागरिकता मिलेगी उनकी संख्या करोड़ों में हो सकती है जैसा केजरीवाल दावा कर रहे हैं, वैसा तो आंकड़ों से नहीं दिख रहा। इसलिए आज बीजेपी ने भी केजरीवाल पर सवाल उठाए। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल घबराएं नहीं, आपके शीश महल में शरणार्थियों को नहीं बसाएंगे। एक बार सुनिए मनोज तिवारी को, फिर सीए पर केजरीवाल के नए एजेंडे की बात करूंगा और कैसे उनके ही लोग उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं ये भी बताऊंगा। आपकी तरह उनको शीश महल नहीं दिया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी, आपके राजमहल जैसा उनको राजमहल तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको एक आवास मुहैया कराया जाएगा, उनको पानी मुहैया कराया जाएगा, उनको बिजली मुहैया कराई जाएगी, उनको भी अपनी एक इंसान की जिंदगी जीने का हक है। सीए के विरोध में अरविंद केजरीवाल का एक तर्क यह भी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान या बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों की वजह से देश में अपराध बढ़ जाएंगे, कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, दंगे भड़क जाएंगे, चोरियां डकैतियां बलात्कार बढ़ जाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक ये शरणार्थी आपके ही घर के बाहर झुग्गी डालकर रहेंगे तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे, देश की सुरक्षा का क्या होगा? एक बार सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं कि अरविंद केजरीवाल को आज शरणार्थियों ने कैसे शर्मिंदा कर दिया। आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। देश के लोगों से अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? चोरियां डकैतियां बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर,
पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे, सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा। कनाडा ने भी ये किया था, कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है, 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। कि भाई मुझे ये बताइए कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है, इसमें आप शरणार्थियों को अपराधी बता रहे हैं, रेपिस्ट बताकर उनका अपमान कर रहे हैं। इसी अपमान से भड़ककर इन शरणार्थियों ने आज केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन शरणार्थियों ने केजरीवाल को चैलेंज भी किया कि वो एक भी थाने में इनके खिलाफ कोई क्राइम केस दिखा दे। एक बार इन शरणार्थियों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि हिंदू सिख शरणार्थियों पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल रोहिंग्या शरणार्थियों पर कैसे मेहरबान है। आज सिंध कराची का रहने वाला हूं, 2011 से आए हुए हैं, और हम लोगों को केजरीवाल को ये कहना चाहते हैं कि हम घुसपैठिए हैं, क्या हम, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, हमारे पास वीजा पासपोर्ट, समझ गए समझ गए। ये देखो सिंध से आए हैं, हमारे पास सब कुछ है, एक महीने का बच्चा उसका पासपोर्ट है, घुसपैठिया नहीं है, गवर्नमेंट मांगेगी सब हम देंगे, गवर्नमेंट के थ्रू आए हम। अरविंद केजरीवाल जो अपराध बढ़ने का तर्क दे रहे हैं, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि पहली बात, अगर कोई झुग्गी डालकर रह भी रहा है तो जरूरी नहीं कि झुग्गी डालने वाला अपराधी ही है। और दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को यह समझना चाहिए कि जिन्हें नागरिकता दे रहे हैं सीए के तहत, वो तो 2014 से पहले से देश में, यानी सालों से वो यही हैं। तो क्या उनके पास कोई आंकड़ा है कि दिल्ली में अपराध की वजह यही शरणार्थी हैं? अरविंद केजरीवाल कल से ये माहौल बना रहे हैं कि सीए के तहत इतने शरणार्थी आ जाएंगे कि आपकी नौकरी, राशन, घर सब खतरे में आ जाएगा। जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार खुद रोहिंग्याज को इतनी मेहरबान थी कि उन्हें राशन बांट रही थी। कोरोना के दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया था कि उनसे लॉकडाउन के दौरान पर्याप्त मात्रा में रोहिंग्या परिवारों को राशन दिया था। दिल्ली में रोहिंग्या के 3 कैंप में ये राशन बांटा गया। कोर्ट को बताया गया कि जहां रोहिंग्या परिवार बसे हैं उनके पास ही 4 हंगर सेंटर चला रहे हैं। तब तो अरविंद केजरीवाल से किसी ने नहीं कहा कि क्यों हमारा राशन रोहिंग्या परिवारों को बांट दिया, वो भी कोरोना काल में। दिल्ली के कालिंदी कुंज की यमुना खादर में रोहिंग्या बस्ती है, वहां 56 परिवार रहते हैं और करीब 230 लोग बसे हुए हैं। इन लोगों के पास बिजली की सुविधा है, पानी भी मिल रहा है और इनके बच्चे स्कूल भी जाते हैं। इस पर तो अरविंद केजरीवाल कभी नहीं कहते कि इन्हें क्यों बिजली मिल रही है, आपकी बिजली इनको जा रही है क्या, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों का एडमिशन जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। हमने यहां बसे लोगों से बात की तो बहुत लोग बात करने को तैयार नहीं। जिन चुनिंदा लोगों ने बात की उन्हें सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि रोहिंग्या पर किसने केजरीवाल को चैलेंज कर दिया। बिजली है और पानी की एक गाड़ी सोसाइटी के लिए आते हैं। अच्छा, उसमें हम भी लेते हैं, टैंकर जो आता है वो सोसाइटी के लिए आता है। स्कूल की व्यवस्था है, दूर है, तो ये जैसे खादर है ना, आप मान लो खादर पे जाने पड़ते बच्चा। अब ये यहाँ रह रहे हैं तो पानी तो पियेंगे, लेकिन इस पर किसी ने सवाल तो नहीं उठाया कि आपके हिस्से का पानी इनको दिया जा रहा है रोहिंग्या को, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं। किसी ने यह तो नहीं कहा कि इनके बच्चे आपके बच्चों की जगह स्कूल जा रहे हैं, आपके बच्चों की जगह ले ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हिंदू और सिख शरणार्थी देश के लिए खतरा दिख रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों पर वो मेहरबान दिखते हैं। इसी पर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल को इन रोहिंग्या मुसलमानों में अपना वोट बैंक दिखता है। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिरसा ने सीएम केजरीवाल को चैलेंज करते हुए कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों पर उसी भाषा में बोलकर दिखाएं जैसे वो हिंदू और सिख शरणार्थियों के बारे में कह रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। अरविंद केजरीवाल जी, आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए किस कदर नीचे गिर गए हैं? अगर आप में हिम्मत है, अगर आप देश के लिए सच बोल रहे हैं, आपके अंदर पीड़ा है तो बोलकर दिखाइए कि रोहिंग्या मुसलमान जो यहां पर आए हैं उनको घर देश से बाहर निकालो, हमारी बच्चियों के लिए खतरा है। कहकर दिखाइए, कहकर दिखाइए कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हमारे मुल्क में घुस आए हैं उनको बाहर निकालिए, हमारी बच्चियों के लिए खतरा बने पड़े हैं, वो हमारी बच्चियों के लिए रोज खतरा बने पड़े हैं। कह के दिखाइए। आप कनाडा की बात कर रहे थे, कह के दिखाइए कि कनाडा के अंदर जो सीरिया से लोग गए हैं, इंग्लैंड के अंदर जो इराक और सीरिया से लोग गए हैं, उन लोगों ने हालात वहां के इतने बिगाड़ दिए हैं कि वहां की इमिग्रेशन बंद करनी पड़ी है। बोलिए ये सच। आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप एक विशेष वर्ग की वोट लेने के लिए आज हिंदुओं को और सिखों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप हमें बदनाम कर रहे हैं।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले लोगों में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग भी। दिल्ली और पंजाब में अगर केजरीवाल की सरकार है तो उसमें सिख समुदाय की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन आज वही केजरीवाल बाहर से आने वाले सिखों को पाकिस्तानी कह रहे हैं और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। जबकि आप दिल्ली और पंजाब में सिखों की आबादी देखिए, दिल्ली में अगर आप देखेंगे, केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, सिख आबादी देखिए, पाकिस्तान से आने वाले सिख जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, जबकि वो बेचारे प्रताड़ित होकर आ रहे हैं। दिल्ली में आप आबादी देखिए सिखों की कितनी है। दिल्ली के अंदर करीब 3.4% सिख आबादी है और पंजाब के अंदर 57.7% सिख आबादी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को 47% सिख ने किसको वोट किया? आम आदमी पार्टी को वोट किया बॉस। और दिल्ली में इसमें से 50% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, सिखों ने। आज वो सिख नहीं सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में प्रताड़ित होने वाला, वहां जो है तमाम अत्याचार सहने वाला सिख यहां आएगा तो वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो चोरी करेगा, वो रेप करेगा, वो दंगे करेगा, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान से आया है, ऐसा हो जाएगा वो सिख। पाकिस्तान बांग्लादेश से आए जिन हिंदू और सिखों को केजरीवाल तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, वो अगर यही सब करते होते तो फिर ये इतने साल भारत की नागरिकता का इंतजार न करते सर, शांति से दिल्ली के कोने में बैठे रहते। ये अगर अपराधी होते तो किसी कानूनी राहत का इंतजार नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो अपराधी होते हैं वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस देश में सब कुछ कर लेते हैं। आपको छत्तीसगढ़ का एक केस बताता हूं, जहां बड़े लुटेरे पकड़े गए थे जो देश भर में करोड़ों की चोरी लूट कर चुके थे, और छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। जांच में पता चला कि ये बांग्लादेश से आए हुए थे, फिर ये बंगाल पहुंचे, वहां पर 1500 रुपए देकर फर्जी आधार कार्ड बनाया और फिर देश भर में क्राइम किया। सुनिए एक बार दुर्ग पुलिस को कैसे होते हैं घुसपैठिए और शरणार्थियों में क्या फर्क है, सुनकर समझ में आ जाएगा। एक बड़ी सफलता मिली है, बांग्लादेशी मूल के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्मृति नगर में जो 35 लाख की चोरी हुई थी उसमें इन दो लोगों को पकड़ा गया है। एक के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट मिला है, जबकि दूसरा जो है वो घुसपैठिया पाया गया है, जो कि इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया गया है। आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज के आधार पे आधार कार्ड बनवाया। आप ये देखिए, रहने वाले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश, पासपोर्ट बांग्लादेश का पासपोर्ट वाला तुरंत भारत आके भारत में आधार कार्ड बनवा लेता है। समझ में आया घुसपैठियों का काम क्या होता है? और ये जो प्रताड़ित हिंदू और सिख आए हुए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, ये बेचारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई कानून बनता तो हमको नागरिकता मिलती। इतना ही नहीं, पिछले दिसंबर 2023 में ही बंगाल में ही एक ऐसा रैकेट पकड़ा गया था जो कि पूरे राज्य में केवल 500 रुपए में फर्जी आधार कार्ड बनवाता था। आप भी देखिए कि इसी साल जैसे ही ये खबरें आई कि फर्जी आधार के मामले में मोदी सरकार कोई एक्शन ले लेगी, तो तुरंत ममता बनर्जी इसके सामने खड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने इस कदम का विरोध किया और उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी तक लिख दी और कहा कि अगर आधार कार्ड डीएक्टिवेट किया जाएगा तो वो खुद वैकल्पिक आइडेंटिटी कार्ड बनवाकर इनको दे देंगे। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आधार कार्ड नहीं है तो परेशान मत हो, हम दूसरा कार्ड बनवा देंगे। आज सीए पर बोलते हुए अमित शाह ने भी ममता बनर्जी से यह कहा कि उन्हें सीए से ज्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि घुसपैठ कैसे रुके। और इसीलिए बड़ा प्रश्न बनता जा रहा है, जो लोग सीए का विरोध कर रहे हैं उन्हें सऊदी अरब का उदाहरण देखना चाहिए। सऊदी अरब में अवैध रूप से रह रहे लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। एक हफ्ते में 23,000 से अधिक लोगों को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस अभियान में 4,690 महिलाओं को भी पकड़ा गया है। सऊदी अरब के मंत्रालय के मुताबिक घुसपैठियों को सहायता और शरण देने वालों को 15 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है। यानी घुसपैठियों पर कार्रवाई होती है, शरणार्थियों पर नहीं। और अगले चैप्टर पर जाऊं और आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में योगी क्या गजब का काम कर रहे हैं, उससे पहले इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं देश भर में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेट्रोल और डीजल के दाम 2 रुपए कम हो गए हैं और ये नई कीमतें कल सुबह 6 बजे से लागू होंगी। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि राजस्थान में वैट घटने से पेट्रोल 5 रुपए से ज्यादा सस्ता हो गया है और अब खबर ये आ रही है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 2 रुपए घटा दी गई हैं और कल सुबह 6 बजे से
पेट्रोल और डीजल 2 रुपए सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और अब आगे बढ़ते हैं पाठशाला में। अगली क्लास 2024 की बंपर जीत के लिए योगी यूपी में गजब का काम कर रहे हैं। गरीब के घर का पैसा, उसमें भी कमीशन। सीएम योगी ने किसका राज खोल दिया? और मायावती का वो सरप्राइज जिससे अखिलेश राहुल को झटका लगना तय है, अब इसका चर्चा। इस बार पीएम मोदी के 370 सीट के टारगेट में यूपी का मामला पूरी तरह से सेट है, क्योंकि यहां पर योगी मॉडल का सुपरहिट फॉर्मूला है। सीएम योगी भी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी का टारगेट बड़ा है और इस टारगेट को पूरा करने के लिए यूपी में सीएम योगी का भी टारगेट 80 में से 80 सीटें जीतना है। इसलिए आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ के धड़ाधड़ कैंपेन ने यूपी में गदर मचा दिया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। हर दिन सीएम योगी 3-3 जिलों में जाकर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से सीएम योगी की सभाएं चल रही हैं। आज सीएम योगी ने अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा में जनसभाएं की। इससे पहले बुधवार को सीएम योगी उन्नाव, फरुखाबाद और बरेली में गए थे। शुक्रवार को सीएम योगी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर जाने वाले हैं। हर रैली में सीएम योगी विपक्ष की क्लास लगा रहे हैं। जैसे आज अंबेडकर नगर की रैली में योगी ने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है तो 56 लाख गरीबों को घर मिले, जबकि पहले की सरकारों ने नई सरकारी योजना आती थी तो लोगों से वसूली करते थे ये लोग। पहले सुनिए सीएम योगी ने अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को क्या क्या सुनाया। इसके बाद बताऊंगा कैसे यूपी में मोदी योगी की जोड़ी सुपर हिट लग रही है लोगों को। जल की सरकार नहीं होती तो क्या 56 लाख गरीबों को उत्तर प्रदेश के अंदर मकान मिल पाते क्या? और क्या ये सपा और कांग्रेस के लोग दे पाते? अरे वहां तो चाचा और भतीजे में ही जंग लगी हुई है। नियुक्ति आती थी, पूरा परिवार वसूली में मस्त हो जाता था। और भाइयों बहनों, आज हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं, हर गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप आवास की सुविधा, जमीन का पट्टा, आयुष्मान भारत की योजना का लाभ और अन्य योजना में, गरीब कल्याण अन्न योजना में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यूपी में जिस तरह से सीएम योगी ने काम किया है और जिस तरह से डबल इंजन सरकार का दम दिखा है, उससे यूपी में मोदी योगी की जोड़ी सुपरहिट दिख रही है और उसके सामने दूर दूर तक कोई नहीं। ये बात चुनाव से पहले के लेटेस्ट सर्वे में भी दिख रही है। हाल ही में यूपी को लेकर 2 सर्वे हुए और दोनों में यूपी में बीजेपी बम बम दिखी। टाइम्स नाउ नव भारत के सर्वे में यूपी में एनडीए को 80 में से 78 सीटें मिलने का अनुमान। इसी तरह सी वोटर के सर्वे में यूपी में एनडीए को 74 सीटें मिलने का अनुमान। एक सर्वे न्यूज 18 के का भी हुआ, उसमें यूपी में एनडीए को 77 सीटें मिलने का अनुमान। यानी कोई भी सर्वे यूपी में 80 सीटों में से कम बीजेपी को 75 पार ही दिखा रहा है। यानी यूपी में करीब करीब क्लीन स्वीप की स्थिति दिख रही है। और अगर ऐसा होता है तो हैरानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूपी में 2 बड़े काम जो हुए हैं उनमें एक काम तो यह है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा है और दूसरा कानून व्यवस्था बिल्कुल टाइट है। पहले की सरकारों में माफियाओं का बोलबाला था, लेकिन अब यूपी में माफिया मिट्टी में मिल गए। सुनिए सीएम योगी ने आज इस पर क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि नकल माफिया को सीएम योगी ने कैसे अल्टीमेटम दे दिया। 2017 के पहले अंबेडकर नगर में तो मैं बार बार आता था, यहां तो माफिया गरीबों के साथ पर्व और त्योहार नहीं मनाने देते थे, कैसे जमीनों पे कब्जा करते थे। आज कोई माफिया किसी गरीब की जमीन पे कब्जा कर पाएगा क्या? किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर पाएगा क्या? मालूम है ना उसको, अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसका उपचार कर देगा। हो रहा है ना उपचार? सिर्फ माफिया ही नहीं बल्कि नकल माफिया के खिलाफ भी सीएम योगी के तेवर सख्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं को सुधर जाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर किसी ने राज्य के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया तो योगी सरकार उसके भविष्य से जरूर खिलवाड़ करेगी। नकल माफियाओं को सीएम योगी की यह वार्निंग भी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि चुनावी माहौल के बीच सीएम योगी अचानक अयोध्या क्यों पहुंच गए। जिन लोगों ने परीक्षा की स्वच्छता पे कुछ भी
उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है, उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही शक्ति के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप के लिए सीएम योगी रामलला का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। आज सीएम योगी ने अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के दर्शन किए। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के दरबार में माथा टेका, दान पात्र में भेंट भी चढ़ाई और गर्भगृह में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। रामलला के दर्शन से पहले सीएम योगी हनुमानगढ़ी भी गए, उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने अयोध्या में 1,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। रामलला के दर्शन के बाद सीएम योगी ने अयोध्या में जनसभा की और पिछली सरकारों पर अयोध्या के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। सुनिए अयोध्या में आए बदलाव पर सीएम योगी ने क्या कहा, फिर आपको मायावती के उस सरप्राइज के बारे में बताऊंगा जिससे राहुल और अखिलेश को झटका लगना तय है। बहनों भाइयों, आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है ना। आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है ना। जो लोग पहले बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अब 1 करोड़ श्रद्धालु तो ऐसे ही आ गए। बोलते थे ना, पहले लोग बोलते थे ना, अब आप देखो 1 करोड़ तो आज भी में आया था, पूरा भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन की राह पहले से मुश्किल और अब मायावती ने दूसरी चुनौती खड़ी कर दी। आज बीएसपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाली रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया। हालांकि इन सीटों पर अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। मायावती की पार्टी अयोध्या और उन्नाव सीट से ब्राह्मण उम्मीदवार उतार सकती है। अयोध्या से सचिदानंद पांडे और उन्नाव से अशोक पांडे को टिकट मिलने की खबरें चल रही। इससे पहले मायावती ने जो 7 उम्मीदवार घोषित किए हैं उनमें 5 मुस्लिम समुदाय से, जिनसे अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा। और रही सही कसर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी कर दी। खबर है कि ओवैसी की पार्टी यूपी में चुनाव के लिए अखिलेश यादव के साथ समझौता करना चाहती थी, लेकिन बात नहीं बनने पर AIMIM ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पार्टी ने कहा कि वो जल्द ही यूपी की 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। ओवैसी की पार्टी की नजर यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर है। हालांकि आज उस वक्त अखिलेश यादव की एक टेंशन दूर हो गई जब अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव आखिरकार बदायूं पहुंच गए, जबकि पहले अटकलें लग रही थी कि शिवपाल यादव बदायूं से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से नाराज चल रहे हैं। वो दिल्ली की सियासत में शामिल नहीं होना चाहते, इसलिए 20 फरवरी को उम्मीदवारी की घोषणा होने के बाद शिवपाल यादव को अपने चुनावी क्षेत्र बदायूं पहुंचने में करीब 3 हफ्ते लग गए, जबकि इस बीच उन्होंने जसवंत नगर और इटावा का दौरा किया। असल में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में बदायूं से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया था, लेकिन बाद में उम्मीदवार बदलते हुए शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। और जब लंबे इंतजार के बाद शिवपाल यादव बदायूं पहुंचे तो उन्होंने कह दिया कि वो अखिलेश यादव के आदेश पर आए। पहले शिवपाल यादव को सुनिए, फिर आपको बदायूं लोकसभा सीट का गणित बताऊंगा जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हमको समाजवादी पार्टी आपको बधाई जाना और बधाई की जनता से जनता को सेवा करना। असल में बदायूं सीट से मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव 2 बार सांसद रह चुके, लेकिन पिछले चुनाव में वो हार गए, इसलिए बदायूं सीट को लेकर अखिलेश यादव कोई चांस नहीं लेना चाहते। इस सीट पर समाजवादी पार्टी का MY यानी मुस्लिम यादव गणित देखे तो करीब 19 लाख वोटर्स वाली बदायूं लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा 4 लाख यादव मतदाता है। इसके बाद 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स आते हैं, जबकि 2,75,000 वोटर्स गैर यादव OBC। करीब 2 लाख की संख्या में अनुसूचित जाति के मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 2 लाख वैश्य और ब्राह्मण वोटर्स भी बदायूं में। हालांकि बीजेपी ने मोदी और योगी के करिश्मे की बदौलत 2019 में यादव और मुस्लिम बहुल सीट पर भी कमल खिलाया था, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि इस बार वो कमबैक करें और इसलिए उन्होंने इस बार
शिवपाल यादव को टिकट दे दिया। अब वहां जमीन हिलेगी या नहीं यह तो कह नहीं सकते, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो फैक्ट फैक्टर में आपको बताएंगे कि जमीन के नीचे घर कौन बनाता है, कौन सी है वो जगह, इसका फैक्ट बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।